हेलो एंड वेलकम टू इंडिया एजुकेशन हब। मैं हूं हरेंद्र और आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के बारे में। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बारे में डिटेल से बात करेंगे, स्टेप बाय स्टेप आपको मैं पूरी जानकारी दूंगा कि इसका फॉर्म कब आएगा, इसके एग्ज़ाम कब होंगे, इसके एग्ज़ाम की एजेंसी कब तक चयनित कर ली जाएगी। इसके अलावा जो भी और आपके डाउट हैं उन सब के बारे में स्टेप बाय स्टेप मैं बात करूँगा, डिटेल से बात करूँगा। इस वीडियो देखने के बाद आपके इलाहाबाद यूनिवर्सिटी संबंधित जितने भी डाउट हैं सब क्लियर हो जाएंगे। मैं आपके कमेंट भी पढ़ता हूँ, तो आपके जो कमेंट में जो क्वेश्चन आपने किए हैं उनका भी मैं आंसर दूंगा। उससे पहले इंडिया एजुकेशन हब की तरफ से आप लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, अगर आप इलाहाबाद विद्यालय की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे कोर्सों से आप जुड़ सकते हैं। नए बैच हमारे शुरू हो रहे हैं, उन सभी के लिए जो रजिस्ट्रेशन है आपके 3 से 4 जुलाई को होंगे और उस दिन आपके लिए सिर्फ 2 दिन के लिए सिर्फ रजिस्ट्रेशन ऑन हो रहा है और उन्हीं 2 दिनों में आपके लिए सबसे बड़ा डिस्काउंट मिलेगा। ये हमारा महाबचत ऑफर है, इस दिन आपके लिए बहुत फीस कम की जा रही है। जो हमारी फीस है वो सभी कोर्सों पर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के नए बैच पर बहुत कम की जाएगी, सिर्फ 2 दिन के लिए, 3 से और 4 जुलाई के लिए। 3 जुलाई 4 जुलाई डेट ध्यान रखिए, 3 जुलाई से 4 जुलाई के लिए इंडिया एजुकेशन आपके ऐप पर आपकी सभी कोर्सों की फीस कम होगी। तो उस दिन आप अपना पेमेंट करके कोर्स से डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। ये आपके लिए महाबचत ऑफर है, स्पेशल ऑफर है, लिमिटेड पीरियड के लिए, सिर्फ 3 से 4 जुलाई के लिए। तो ये आपके इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, अपने जितने भी दोस्त हैं उन सबको भी बता दीजिएगा। इंडिया एजुकेशन आपका ऐप डाउनलोड करें और वहाँ से 3 से और 4 जुलाई को अपना रजिस्ट्रेशन करके कोर्स से डायरेक्ट जुड़ सकते हैं, क्योंकि तैयारी करिए। अब आपके पास समय बहुत ज़्यादा नहीं है, 2 महीने का समय बचा है, उसमें हम आपकी पूरी बेहतरीन और अच्छी तैयारी कराएंगे। तो चलिए अब आ जाते हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के फॉर्म पर कि कब तक इसके फॉर्म रिलीज होंगे और इसके बारे में जो भी डिटेल्स है पूरी उसके बारे में मैंने कहा था आपसे शुरू में कि पूरा डिटेल में बात करूँगा, तो उस पर बात कर लेते हैं। चलिए सबसे पहले मैं आपको कुछ न्यूज़ दिखा देता हूँ। ये देखिए, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की प्रवेश परीक्षा अगस्त के अंत तक होने में संबंध में बात की जा रही है। ये 27 जून का आपका न्यूज़पेपर है, ठीक है। टेंडर और बजट पर निर्णय के लिए कमेटी बैठी थी उस दिन 27 तारीख को, उसके तहत एजेंसी का चुनाव होगा, क्योंकि अभी तक इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जो उसकी प्रवेश परीक्षा कराएगी उसकी एजेंसी का चुनाव नहीं किया, जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी खुद आपका एंट्रेंस कराएगा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। तो थोड़ा डिटेल में नीचे देख लेते हैं कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी किन किन कोर्सों की जो एंट्रेंस एग्जाम है वो खुद करा गया। अगर हम नीचे डिटेल में इस न्यूज़ को देखेंगे तो देख सकते हैं, जो यहाँ से पढ़ना स्टार्ट की, स्नातक और परांश तक की जिम्मेदारी इस वाल नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA कराने की जिम्मेदारी लेगा, जो CU सेट होगा उसके थ्रू यानी कि होंगे आके UG PG के कोर्स, ये कह रहा है। और NTA की तरफ से स्पष्ट जवाब नहीं मिला है। CU सेट पे एक अलग वीडियो रहेगा, उस पर डिटेल में डिस्कस करेंगे CU सेट के बारे में, जिसमें आपकी इंडिया की सभी यूनिवर्सिटी बात करेंगे, लेकिन अभी फोकस है हमारा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को, तो उसी पर हम बात करेंगे। तो बाकी जो कोर्स हैं आपके, जो यहाँ देखिए, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी प्रशासन ने स्नातक व परास्नातक को छोड़कर प्रोफेशनल पाठ्यक्रमों की परीक्षा अपने स्तर पर कराने का निर्णय लिया। सबसे पहले आपको ध्यान रखिए, जो UG PG के आपके प्रोफेशनल कोर्स हैं उन सभी की आपकी यूनिवर्सिटी, जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, वो खुद फॉर्म निकालेगा, खुद उनका एंट्रेंस एग्जाम लेगा, यानी उसका खुद का एंट्रेंस एग्जाम होगा जो इससे पहले होता रहा, ठीक है, ताकि नया सूत्र समय से शुरू किया जा सकता है, ठीक है। जो नया सेशन है वो टाइम से शुरू हो सके। इनमें कौन कौन से जो एग्जाम है जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी खुद एंट्रेंस एग्जाम कराएगी उनको देख लीजिए, क्योंकि इसमें काफ़ी डाउट है स्टूडेंट के लिए कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी खुद कौन सा एंट्रेंस कराएगा, NTA कौन कराएगा। उसमें देखिए, BLLB है आपका, और आपका LLB है, BEd है, MEd है, MPed है, MTech है, अर्थ साइंस है, MBA है, MBRDM है, और BFA है, तो और BPA है, MPA है, इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज IPS के जितने भी पार्ट कराए उन सबका जो एंट्रेंस है वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी खुद कराएगी, उनका फॉर्म भी खुद निकालेगी। तो यह देखिए, ये डायरेक्ट लिखा हुआ है, ठीक है, LLB, BLLB, BFA और आपका जितने भी कोर्स मैंने अभी बताए हैं, BEd, MEd, इन सब के अलावा यूनिवर्सिटी आपकी खुद एंट्रेंस एग्जाम लेगा, खुद ही आपका। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इसमें BA, BSc, BCom और बाकी जो PG के कोर्स है वो NTA के थ्रू कराने की बात कर रहा है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। तो देख सकते हैं इसमें BA, BSc और जो BSc मैथ बायो उन सबका है, उन सबका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी अभी NTA के भी छोड़ा हुआ है। NTA कराएगा तो कराएगा, अगर NTA नहीं कराएगा तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी खुद कराएगा, वो CU सेट के ऊपर छोड़ा हुआ है। अभी जो जानकारी आई है वो ये जानकारी मैं आपको पहले भी दे चुका हूँ, लेकिन फिर भी स्टूडेंट कन्फ्यूज है, इसलिए मैं इस पर आपको बार बार समझा रहा हूँ, ठीक है। और इंडिया एजुकेशन अब किन किन कोर्सों की तैयारी करा रहा है, जो नए ऑफर आ रहे हैं थोड़ा वो भी आप जान लीजिए। ये देखिए, हम आपके लिए BA की तैयारी करा रहे हैं, BLLB जो 5 ईयर का कोर्स है वो करा रहे हैं, LLB जो 3 ईयर का कोर्स है उसकी तैयारी करा रहे हैं, और हम आपके लिए जो BSc मैथ, BSc बायो इन कोर्सों की हम तैयारी करा रहे हैं आपके लिए। तो इन सभी कोर्सों की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो इंडिया एजुकेशन आपके जो नंबर है उन पर संपर्क कर सकते हैं और हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब आते हैं दूसरी जो आपको न्यूज़पेपर है उसकी आपको कुछ जानकारी दिखा देता हूँ, क्योंकि डिटेल में सभी बातें क्लियर करनी है कि कब तक आपका फॉर्म निकल जाएगा और कब तक आपका एग्जाम होगा। अब पहले होगा किन किन कोर्सों की एग्जाम कराएगा, अब बात करते हैं कि इसका फॉर्म कब तक आ सकता है।
चलिए देख लीजिए, इलाहाबाद विद्यालय प्रवेश परीक्षा कराने वाली एजेंसी और बैड पर प्रस्ताव तैयार किया, ठीक है। इलाहाबाद विद्यालय के इसको आप पढ़ लीजिए, मैं थोड़ा सा आपके लिए, कुलपति की बैठक की अनुमति दे देगी उन्हें, ठीक है। एजेंसी का चयन का प्रस्ताव किया गया है, इस कुलपति के अनुमोदन के बाद इलाहाबाद विद्यालय आधिकारिक वेबसाइट पर टेंडर जारी करने के लिए एजेंसी से आवेदन मांगे जाएंगे। अभी तक इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का अपने टेंडर जारी नहीं किए, अब वो एजेंसी से टेंडर जारी करके आवेदन मांगेंगे। टेंडर आपका जारी होगा, उसके बाद देख लीजिए, आगे पूरी देखिए, फॉर्म कब तक निकलेगा ये भी आपको पता लग जाएगा। आगे देख लीजिए, ये पढ़िए आप इसको, प्रस्ताव कुलपति के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। कुलपति के अप्रूवल मिलने के बाद ऑनलाइन मोड में विज्ञापन जारी कर 21 दिन तक एजेंसी से आवेदन मांगे जाएंगे। यानी अभी तक तो आवेदन जारी नहीं किया, 21 दिन तक मांगे जाएंगे, यानी कि मान के चलिए 21 जुलाई तक तो फॉर्म आने की कोई उम्मीद नहीं है, जुलाई के अंत तक ये आपका फॉर्म आएगा, फिर एजेंसी चयन करेगी, अगली प्रक्रिया शुरू की जाएगी, ठीक है। जो एजेंसी चयन होगा फिर अगली प्रक्रिया शुरू की, यानी उसके बाद ही आपके फॉर्म आएंगे, उसके बाद ही आपकी जो एंट्रेंस एग्जाम की डेट है उस पर आपको कुछ निर्णय हो पाएगा। तो देख लीजिए, आपके जुलाई अंत में आपके इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के फॉर्म आने की पूरी पूरी उम्मीद है, क्योंकि शुरू में तो आने की उम्मीद नहीं, क्योंकि अभी तक एजेंसी का चयन नहीं हुआ, तो उसके बाद ही होगा। परीक्षा तिथि का निर्णय उसके बाद ही लिया जाएगा। तो मान के चलिए अगर आपके जुलाई लास्ट में फॉर्म आते हैं तो आके अगस्त लास्ट तक एग्जाम कराना पॉसिबल नहीं रहेगा, तो एग्जाम आपका सितंबर में जाएगा, यानी 2 महीने का पूरा आपके पास पर्याप्त समय है, जुलाई और अगस्त का, जिसमें आप अच्छे से पूरी तैयारी कर सकते हैं, और सितंबर से आगे आपका डिले नहीं हुआ, 2 महीने आपके सितंबर से मान के चलिए 10 सितंबर तक, यानी सितंबर शुरू 10 सितंबर तक आपके एंट्रेंस एग्जाम होने की पूरी संभावना रहेगी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की, जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी खुद इनका एंट्रेंस एग्जाम लेगा। बाकी जो सीयू सेट लेगा तो वो आपका एनटीए डिसाइड करेगा, उसके थ्रू आपके जो होंगे तो वो उस पर आपके डिसाइड होंगे। तो ये आपकी हो गई, और देख लीजिए ये न्यूज़ आपकी लेटेस्ट न्यूज़ है, ये देख लीजिए 29 तारीख की आपकी न्यूज़ है, ठीक है। ये लेटेस्ट न्यूज़ थी जो अब तक आपके न्यूज़ मीडिया में चल रहा है, वो सब मैं आपको पूरा दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए आपकी 25 तारीख की न्यूज़ है, यूजी पीजी कुछ कोर्सों के लिए प्रवेश लेने की तैयारी कीजिए, जो मैंने आपको पहले ही बताया था, और एनटी की बात कीजिए इसमें, ये पुरानी न्यूज़ है, इसको पहले हम कवर कर चुके हैं, और अलावा इसकी की पूरी जानकारी आपको समय समय पर दे रहे हैं, जो भी आपको जानना जरूरी है वो सब हम आपको समय समय पर पहुंचा रहे हैं, ठीक है। अलावा इसकी अब तक पूरी डिटेल वीडियो था, अलावा इसकी बीए का फॉर्म अपना, अलावा इसकी अभी तक कंफ्यूज है बीए बीएससी जो आपके बीकॉम है उनका, कि अलावा यूनिवर्सिटी कराएगा या आपका एनटीए कराएगा, उस पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया। अभी निर्णय लिया गया है बीए है, बीए नहीं सॉरी बीएफए है, बीएड है, और आपका एलएलबी 3 ईयर है, एलएलबी आपका जो बीएलएलबी 5 ईयर है, उन सभी कोर्सों का अलावा यूनिवर्सिटी खुद एंट्रेंस कराएगा। तो ये कन्फ्यूजन आपका दूर हो गया होगा, उम्मीद करता हूँ। और अभी भी आपका कोई डाउट है तो कमेंट करिए, अगला वीडियो सिर्फ आपके कमेंट पर ही बेस्ड रहेगा, जो भी आपके क्वेश्चन है उन सबको मैं अगले वीडियो में कवर करूँगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना है, मेरी आपसे एक शिकायत है कि आप वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, तो सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए, ये आपकी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, तो सबको शेयर कर दीजिए ताकि पता लग जाए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की आपकी इंडिया एजुकेशन आप तैयारी करा रहे हैं हम आपके सभी कोर्सों के लिए, और आपके लिए यहाँ पर बेहतर गाइडेंस और सभी चीज़ें मिल रही। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का मॉक टेस्ट शुरू हो चुका है, जो आपके लिए एंट्रेंस एग्जाम के लिए शाम को 8 से 9 डेली मॉक टेस्ट भी होता है, उसको अटेंड करिए और अपनी तैयारी को बेहतर करिए। चलिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और अगली जानकारी जो भी रहेगी आपको तुरंत इसी चैनल पर मिल जाएगी।